आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है। लेफ्ट हैंड टूट गया था, लिगामेंट टियर हो गया था। आई थिंक नहीं बताना चाहिए। दो दो तीन तीन किलोमीटर मूव कर रहे, मेरी तो हालत खराब है ट्रैवल कर रहे। ये शॉपिंग की थी मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आदित्य गुप्ता ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। वेलकम्स यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है क्योंकि जिस काम के लिए बैंगलोर आए थे आज से 3-4 महीना पहले, इस बार जो हम बैंगलोर जा रहे हैं डिफरेंट टीम है, सारी चीज़ें इस बार डिफरेंट होने वाली है। बैंगलोर में जाके काम अलग होने वाला है बिकॉज इस बार हम जा रहे हैं जॉब हंट के लिए। फाइनली वो हो चुका है। यस, मेरी जॉब लग चुकी है और मेरी जॉइनिंग भी हो चुकी है, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। प्लस वर्क फ्रॉम होम अलाउड, मतलब मुझे अलाउड नहीं है, तो अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चल रहा है, तो डेली ऑफिस जाना होता है। और जॉब लगे हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता हो चुका है, मैं बता नहीं पाया, बहुत ज़्यादा बिजी था। शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, जिम कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे, लेकिन आज से जिम को रेगुलर रखना है, इसलिए स्टार्टिंग अ डे विथ माई ब्लैक कॉफ़ी। मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि आई थिंक नहीं बताना चाहिए। प्लस लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है और हम फिनटेक फर्म कहलाते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में डील करना फिनटेक फर्म है हम लोग। जल्दी से अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ, ख़त्म करते हैं और फिर आपको आज पूरा दिन दिखाते हैं। ऑफिस में मोस्टली रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि अलाउड नहीं है। और भाई रूम बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप चल रहा है। ये देखो टेबल भी पूरी ऐसी पड़ी है, बैग ऐसे कैसी, होलसेल लैपटॉप आया है कंपनी का वो थोड़ा सा ख़राब आ गया है। और ये शॉपिंग की थी मैंने ज़ारा से अभी रिसेंटली, इसको भी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे ज़ारा से, तो काफ़ी ज़्यादा सही था, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ अभी ज़ारा का। और जल्दी से कुछ चीज़ें अपडेट करते हैं और बढ़ते हैं ऑफिस की ओर। अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में। गाइस जस्ट सी द ट्रैफिक, ये पूरा ट्रैफिक नीचे जा रहा है और हम भी इस ट्रैफिक के शिकार हैं भाई साहब। यहाँ पे बैंगलोर पे जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, इट्स गेटिंग क्रेजी। मतलब 1 घंटे में लोग दो दो तीन तीन किलोमीटर मूव कर रहे हैं, मेरी तो हालत ख़राब है ट्रैवल करके। अरे भाई यार, यहाँ तो सीन ही ख़राब हो रखे हैं। यहाँ तो पूरी ऐसी तैसी गाड़ी भाई आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरे को यहाँ पे क्या ही बताऊँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा फिर मेरा सीन हो जाएगा। बढ़ा लो भाई। तो गाइस ऑफिस तो हम पहुँच चुके हैं और आज सीनियर मैनेजर पहली बार ऑफिस आया है, तो लेट्स सी, उनके साथ आज मीटिंग है, देखते हैं क्या कैसा जाता है। और आज शाम में जिम जाना है, ऑफिस में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जल्दी से इसको बंद करते हैं और मीटिंग में चलते हैं। ऑफिस से मैं आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 6:45। मैं अप्रॉक्सीमेटली 6:15 पे वहाँ से निकला था, तो बाइक से सिर्फ 1 घंटा लगता है। लेकिन आज मेरा भाई नहीं गया था बाइक से, इसीलिए मैं बाइक से गया था। और बहुत ही मतलब हैक्टिक हो जाता है अगर ऐसा बाइक नहीं है तो, क्योंकि आने जाने में टोटल 2 घंटा लग जाता है, तो जिसके कारण जिम जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अभी भी थका हूँ लेकिन आज से कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज से मैंने डिसाइड किया है कि एनी हाउ जिम को करना ही है, क्योंकि लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, अभी फिर से थोड़ी सी डाउन हुई होगी, 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी थी। बट अभी अपनी हम बनाएंगे प्री वर्कआउट मील, जो कि रहने वाली है ब्रेड और पीनट बटर। और प्रोटीन इंटेक रखने के लिए मैं साथ में 2 अंडा भी खाऊंगा, क्योंकि आज प्रोटीन इंटेक ऑलमोस्ट अभी तक सिर्फ 35 ग्राम्स ही हुआ होगा। तो लेट्स सी, अभी बनाते हैं अपनी जो भी कह लीजिए प्री वर्कआउट मील और चलते हैं थोड़ी देर बाद। अप्रॉक्सीमेटली मैं 7:30-8 बजे के बीच में जिम के लिए निकलूँगा, जिम जाएंगे और आज का वर्कआउट है हमारा पुश, तो सी यू इन द जिम। 8:30 हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। मन तो आज बिल्कुल भी नहीं था, थक गए थे काफ़ी, लेकिन
जिम को कैसे भी करके कंटिन्यू करना है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस शेड्यूल को मॉर्निंग में ही शिफ्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि इवनिंग में वर्कआउट करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो देखते हैं, फिलहाल आज का सेशन एंजॉय करते हैं। जिम जाएंगे तो 110% मज़ा तो आएगा ही, मूड तो रिफ़्रेश होगा ही, इस बात के लिए 110% श्योर। जल्दी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं जिम। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me, so peace out. अब आएगा बहुत ज़्यादा अच्छा पंप शोल्डर में, बिकॉज अब मैं करने वाला हूँ सुपर सेट शोल्डर का, जो रहेगा मिलिट्री प्रेस ऑन बारबेल और फिर रहेगा साथ ही साथ फ्रंट केबल रोइस। तो बहुत ज़्यादा अच्छा पंप आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी, आज बहुत जल्दी वर्कआउट खत्म हो गया। March until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Marching till it's over, and just like a soldier. लास्ट ईयर मई में ये जिम में शोल्डर प्रेस करते टाइम मेरा ये लेफ्ट हैंड टूट गया था, लिगामेंट टियर हो गया था। और फिर मैं 6 महीने तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई रिकवर होने में। भाई का फ़ोन आया था, हम लोग को साथ में प्लान था डिनर करने का और मेरे कारण ही लेट हुआ है। वी आर फाइनली बैक फ्रॉम द जिम और खाना वाना हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिनर पोस्ट वर्कआउट में खाया है हमने चिकन, और अभी लेंगे प्रोटीन शेक। इस ब्लॉग की एडिटिंग चालू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको एडिट करने में, बहुत मज़ा आ रहा है। इस जर्नी में बने रहिए। आज का ब्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया हो। बहुत ही बेसिक ब्लॉग था बट स्टिल आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की तरह अपने सारे ग्रुप में फैला दो भाई, वायरल कर दो यार मेरे को। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड नाइट।